जगदीप तीसरा पीसन है, रेणुका अम्बेडकर नगर में है। और मैं यहाँ पे अभी 15 से 16 दिन से मैं यहाँ पे उपोषण कर रहा हूँ। जिला अधिकारी कार्यालय जिलाधिकारी कार्यालय में मैं निवेदन लेके अभी 1 महीना हो गया, तभी अभी तक उन्हें कार्रवाई करी नहीं। और मैं मुथूट फाइनेंस लिमिटेड RBI इसका लाइसेंस रद्द करने का है। ये मुथूट फाइनेंस ऐसे में चार्ज पोस्ट चार्ज एक्स्ट्रा लगा के लोगों के लूट रही है, जो करके मैंने चक्री ब्याज भी दिया। उसके बाद में उन्हें प्रोसीजर फी लिए मेरे पास से, उसने SMS के 10 रुपये लिए, पोस्ट चार्ज के जो मेरे को अभी तक 2-3 साल से मेरा उसका खाता है, अभी तक उनने मेरे को एक ही पोस्ट से एक ही पत्र मेरे को भेजा नहीं, या कुछ भी मेरे को पोस्ट से मेरे को ऐसे आया नहीं कुछ पत्र। तो इनने क्या करा, मेरे वाले उससे 30 रुपये हर महीने का 30 रुपये में इनने मेरे को पोस्ट चार्ज लगा के मेरे को इसने आर्थिक मेरी प्रवीण करी, जो करके मेरे को कौन से चीज़ों में मेरे पास से एक्स्ट्रा चार्ज लेके मेरे को उनको दबाया। और मेरे को उनने क्या करे कि मैंने सबसे पहले 21/1/2022 में मैंने उनको पत्र दिया था कि मेरे को ऐसा ऐसा हो गया। मैंने स्टेटमेंट निकाली, मैंने स्टेटमेंट में मेरे को समझ में आया कि इनने लाखों कोटि रुपए का घोटाला, बोले करोड़ों का घोटाला करते ही है सिर्फ बैठे बैठे। ये RBI को हाथ जोड़ के नंबर विनती है, जिलाधिकारी को नंबर विनती है, ये इसका तत्काल इनका लाइसेंस रद्द करने में आना चाहिए, जो करके मेरे जितने उनने पैसे लिए वाले एक्स्ट्रा वो पैसे मेरे को वापस मिलना चाहिए। और इनके जो पाठक है बैंक मैनेजर, इन पर गुना दाखिल करना चाहिए और लाइसेंस इनका RBI का लाइसेंस मुथूट फाइनेंस लिमिटेड का रद्द करना चाहिए। सर आपने कितने लोन लिए थे? सर मेरे वाले 6 लोन है। अच्छा। जो मेरे एक लोन में 14,000 का लोन था, तो 14,000 के लोन में मैंने जो मेरे घरवाली का मैंने मंगलसूत्र रखा था, तो वहाँ पर रखने के बाद में उनने मेरे को बोले 1 महीने का चार्ज लगा उसने 607 रुपये, और उसमें ने क्या उसने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया उसने चक्री ब्याज उसने 364 रुपये लगाया, और पोस्ट चार्ज लगाया उसने 30 रुपये, और SMS चार्ज लगाया उसने 10 रुपये। और मैंने उनने ही फ़ोन किया था कि गोल्ड लोन होना है क्या, तो एक बार उनने फ़ोन करने के बाद में मैंने उनको जाकर एक लोन मैंने 14,000 का कराया उनके पास से। और उसके बाद में मैंने खुद के अंगूठी रखी, गले में का लॉकेट रखा, उसके बाद में घरवाली का कान में के रखे मैंने सब रखे, तो मेरा पूरा 6 लोन थे मेरे वाले, 6 लोन से मैंने पूरा क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद मैंने स्टेटमेंट निकाली, मैंने पूरा 2-3 साल की स्टेटमेंट निकाली, हर महीने में उनने मेरे से पोस्ट चार्ज और SMS चार्ज और चक्री ब्याज जो है और उसके अंदर प्रोसीजर फी, तो मैंने बोला प्रोसीजर फी 60 रुपये लगाया उसने, और इसमें हर एक अलग अलग लोन से ये मेरे को उन्होंने क्या जब मैंने स्टेटमेंट निकाला स्टेटमेंट में मेरे को दिखा कि ये लोगों को कैसे फंसाते और कैसे इन लोगों को लूटते, ये मेरे को समझ में आया। से उसके बाद में मैंने जिलाधिकारी कार्यालय में पत्र दिया, पुलिस स्टेशन में पत्र दिया, मैंने कमिश्नर ऑफिस को दिया, उसके बाद में विभागीय आयुक्त को पत्र दिया मैंने, और स्थानीय पुलिस स्टेशन को पत्र दिया, अभी RBI को मैंने गवर्नर को पत्र दिया, RBI को पत्र दिया। अभी तक वो लोगों ने मैंने जब से तकरार की उनके उनके बारे में अभी तक उनका ही मुझे अभी तक रिप्लाई आया नहीं, अभी 15 दिन से रिप्लाई आया नहीं मेरे को कि क्या चौकसी करे कि क्या उन पर ये लाइसेंस रद्द करने का है, तो अभी तक प्रोसीजर में से उनने कुछ दिया नहीं पत्र। और इनके वाली ये साहब लोग को इनके वाली जितने भ्रष्टाचार कर रहे ये उनको सपोर्ट कर रही है आरबीआई सपोर्ट कर रही है, और जिला अधिकारी कार्यालय में के कुछ अधिकारी है जो मुथूट फाइनेंस के मैनेजर से हाथ मिला के उनके वाली बाजू वो कर रहे हैं, बोले तो उनको सेफ्टी उनको बाजू में आकर ये कर रहे हैं। और मेरे को बोले कि ऊपर से उठ जाओ, बोले तुम इनका कुछ होता नहीं, तुम RBI से झगड़ो, RBI को बात करो, RBI से पत्रकार करो या कोर्ट में जाओ, तुम्हारे को बहुत बहुत सारे रास्ते हैं। अभी मैं कोर्ट में जाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं जो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ,
अच्छा, तो सर आपको ये किसने बोले कि यहाँ से उठ जाओ? मेरे को आफ्टर कलेक्टर ने बोले, मेरे को यहाँ से उठ जाओ बोले, यहाँ पे कुछ होगा नहीं बोले तुम्हारा वाला, तुमने क्या कोर्ट में जाओ। मैं कोर्ट में जा सकता नहीं क्योंकि बैंक के जो वकील है उनके पास बहुत बड़े बड़े वकील है जो इतने बड़े भ्रष्टाचार करते, इतने बड़े बड़े लोगों को लूटते, लाखों कोटी संख्या है, लाखों कोटी की लोग है उनके पास से कोर्ट चार्ज, जैसे मैं चार हर अलग अलग चार्ज लिखकर जो लूट रहे इनको। और दूसरी बात कि गवर्नमेंट बोलती है कि कौन सा ये चीज़ अपन सोना रखने को जाते, अभी लाखों कोटी लोग सोना रखने को आते, अभी हर एक ग्रह सोना रखने को आता, मगर उसको नहीं किया, कोई पूछता नहीं कि तुम्हारे पास ये सोने की सोना तुम्हारा खुद का है, इसकी पावती है क्या, ये वहाँ पे पूछते नहीं कि सोना चोरी का है क्या, किसी का घर फोड़ के लाया वाला है सोना, कौन सा ही ग्रह को पूछते नहीं जो करके अपना सिटी के सोनार को सब पुलिस महासंचालक ने, पुलिस वाले ने बोले भाई कि पावती रहने के बाद में ये सोना रखने का बंद कारक है, पावती अगर रही इसके पास तो सोना लेना, नहीं तो सोना लेने का नहीं, डायरेक्ट पुलिस वाले को खबर करना। फिर ये जो उत्तर फाइनेंस है, उत्तर फाइनेंस ये उसका रूल क्यों करती नहीं, जो करके हर एक अधिकारी हो या कोई भी आया सोना रखने के लिए तो वो सोना खुद का है क्या, लोगों का है क्या, चोरी का है, ये भी उन्हें शानिशा करना चाहिए, शानिशा नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। तो ये हर एक इसमें नहीं क्या खुद का ही बैंक भरने का काम कर रही है मुथूट फाइनेंस, जो करके मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि हर एक नेम जो भी नेम है वो नेम उन्हें पालन करना चाहिए। और मेरे जो है इसमें चार और कोर्ट चार्ज जो लिए वाले हैं उनने, जो मेरे वाले आर्थिक प्रवीण करीबी है, तो इसके लिए RBI को बोल रहा हूँ मैं कि मुथूट फाइनेंस लिमिटेड RBI इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए।